का डर जब दिल में होता है तो कैफियत क्या होती है। अल्लाह अकबर। एक औरत जिसकी जिंदगी अल्लाह की बंदगी में गुजरती थी, जिसकी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजरती थी, लेकिन उसका शौहर जो वो खुद भी बहुत बड़ा आबिद था, लेकिन उसके बच्चे बहुत ज्यादा थे, यानी मियां बीवी के बच्चों की तादाद बड़ी थी। एक दिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि कसीरुल आयान होने की वजह से, बहुत बच्चे होने की वजह से घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे, तो शौहर ने बीवी से कहा जाओ फला ताजिर के पास जाकर के कुछ लेकर के आ जाओ ताकि बच्चों की आग बुझाई जा सके, बच्चों के पेट की आग बुझाई जा सके। खातून जाती है और जाने के बाद ताजिर के सामने अपना माफी जमीर पेश करती है। ताजिर फासिक था, उसके दिल के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का डर नहीं था। मौके का फायदा उठाते हुए उसने उस औरत से कहा कि तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तेरी जरूरत की तकमील कर दूंगा। औरत चली गई। घर जब पहुंचती है तो शौहर कहता है बच्चे भूख भूख से बिलक रहे हैं, कुछ लेकर के आई हो? उस औरत ने कहा नहीं कुछ नहीं मिला। अपने शौहर से ये नहीं कहा कि फला ताजिर ने इस किस्म के जुमले इस्तेमाल किए। कुछ देर तक बच्चों को बिलकता हुआ देखकर बर्दाश्त न हो सका, फिर वो ताजिर के पास गई। जब ताजिर के पास पहुंचती है और अपने बच्चों के बिलकने की बात करती है तो वो यही कहता है कि तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। औरत घबरा जाती है। कभी बच्चों की भूख, बच्चों का तड़पना, बच्चों की परेशानी उसके दिलो दिमाग पर छा जाती है, कभी अल्लाह का डर, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का तसव्वुर वो उसे कांपने पर मजबूर कर देता है। लेकिन बच्चों के सामने वो हथियार डालते हुए वो यूं करती है कि उसके साथ रजामंदी का इजहार कर देती है। अभी तन्हाई में दोनों पहुंचे ही थे कि औरत का बदन कांपने लगता है और उसके बदन पर कपकपी तारी होती है। ताजिर पूछता है ऐ औरत आखिर तू किससे डर रही है, क्यों इतनी कांप रही है, क्यों इतना तुझ पर लर्जा तारी है? औरत बरजस्ता जवाब देती है सुनो एक दिन मुझे रब के हुजूर हाजिर होना है, इस गुनाह के बारे में वो मुझसे पूछेगा तो मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगी? उस तसव्वुर की वजह से मुझ पर कपकपी तारी है। औरत का खौफे खुदा से लरजना उस ताजिर पर इतना इफेक्ट करता है कि वो ताजिर ये जुमला इस्तेमाल करता है जब तू भूखी रहकर अल्लाह से इतना डरती है तो मैं तो पेट भरा हूं, मुझे ज्यादा डरना चाहिए। और ये कहते हुए वो कमरे में गया और जाकर बहुत सारा मालो मनाल लाकर उस औरत को दिया और कहता है तू मुझे माफ कर दे अल्लाह अकबर, और दुआ कर कि मेरी गलत नीयत को अल्लाह भी माफ फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। वो औरत दुआएं देती हुई मालो मनाल लेकर घर चली जाती है। इधर उस नौजवान ताजिर की जिंदगी में तब्दीली पैदा होती है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलातु व तस्लीम को अल्लाह वही नाजिल फरमाता है और इरशाद फरमाता है फला जगह जाओ, एक ताजिर है, उसे जाकर ये खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के कलीम जब उसके पास पहुंचते हैं और उसे मुज़दए जाफ़ज़ा सुनाते हैं कि अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दिए हैं, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहने के बाद इरशाद फरमाया ऐ नौजवान जरा बता तो सही तूने वो कौन सी अजीम नेकी की है जिसकी वजह से अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया? इतना सुनना था। वो नौजवान कहता है और पूरा वाकया सुनाता है मुझ पर नफ्स हावी था, शैतान हावी था, मैं गुनाह की तरफ आमादा हो चुका था, लेकिन एक औरत के खौफ खुदा से लरजने ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। जब औरत खौफ खुदा से लरजती है तो आवारा का मिजाज तब्दील हो जाता है। जब औरत अल्लाह के डर से कांपती है तो बिगड़ा हुआ इंसान तौबा की तरफ माइल हो जाता है। लेकिन वो औरतें जो खुद ही गुनाह की दावत देती हों, जो खुद ही गुनाह की तरफ माइल होती हों, जो खुद ही गुनाह की तरफ दावत देने वाली होती हों, गुनाह की
तरफ बुलाने वाली होती हो, उनका अंजाम क्या होगा, उनकी सजा क्या होगी, कभी सोचने की कोशिश की, कभी गौर करने की कोशिश की? तो आज हमारी बहनें ये तसव्वुर करती हैं, आज हमारी कौम की बच्चियां ये तसव्वुर करती हैं, दुनिया चंद दिनों की है, ऐश कर लो। ये ऐश करने की जगह नहीं है, ये अल्लाह के खौफ से लरजने की जगह है, और यहां रहकर अपनी आखिरत को संवारना है, और अल्लाह की बारगाह की हाजिरी के तसव्वुर को हमेशा